आज जितब इंडिया कालीठू शुरू हो दांडिया एक आम कौना अहमदाबाद में उपस्थित क्रिकेट फैन मैंने कहते मुझ कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी सीधा सड़क दृश्य देखेबे आपड़ देखिपुंट जो भाई भाव फैन को मान उत्साह रही कारण भारत पाकिस्तान मैच जो भाई भाव आशा कराला प्रथम तो पाकिस्तान बैटिंग करूला आशा कराला गोटे भल स्कोर कर टक्कर दब मात्र पाकिस्तान 191 रन में ऑल आउट हो जाए गोटे प्रकार उत्साहित अच्छा कारण भारत बहुत जल्दी यू चेज कर फैन मैंने कहते आम सहित कि जन फैन जोड़ी सह आलोचना करवा सर क्या कहेंगे उम्मीद था पाकिस्तान अच्छा खेलेगा अच्छा टारगेट भी देगा लेकिन 191 में टीम सिमट हो गया। लिटरली हम ये सोच रहे थे कि मैच पूरा लंबा चलेगा बट अब तो हम सोच रहे हैं बेटर रन रेट के साथ आगे वाली लीग स्टेज में जाएंगे। 15 मिनट के बाद मैच शुरू होगा क्या खत्म कर देंगे 20 ओवर 30 ओवर के बीच 20 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा विद अ बेटर रन रेट एंड आज अपना टॉप बढ़िया चलेगा। अगर कुछ विकेट गिर गया तो फिर खतरा भी खतरा है बट बहुत लोग हैं अपने आज पांच टॉप छह अपने बढ़िया चल रहे हैं एंड इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं खुद चंडीगढ़ से आया हुआ हूँ तो होपफुली विल विन दिस मैच एंड विद अ ह्यूज मार्जिन। इंडिया का प्रिंस भी चंडीगढ़ से है वो आज कैसे खेलेगा क्योंकि आईपीएल भी इधर ही खेलता है और अच्छा परफॉर्म करता है अहमदाबाद। वो इसी मैच के लिए गिल अपनी एनर्जी बचा के रखा हुआ था आज आया और आज फोड़ेगा एकदम बिल्कुल बढ़िया। भैया क्या कहेंगे 191 क्या स्कोर है उम्मीद था तो 20-20 बना दिया। 2020 जी सर रोहित जल्दी में है अफगानिस्तान का मैच में रोहित जल्दी में था इसीलिए जल्दी से ठोक दिया आज भी ठोकेगा। डबल शतक बनाने वाला था लेकिन इतना रन बनाया ही नहीं है। जी सर पहले हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान टीम 100 के अंदर ऑल आउट हो जाएगा तो तेंदुलकर 100 नहीं बना पाएगा अभी आप लोग बोल रहे हैं कि 200 नहीं बनाया रोहित शर्मा कैसे 200 बनाएगा। वही सर दिक्कत है ये लोग इतना बनाते ही नहीं है। गिल का घर का मैदान है सर गिल का ये घर का मैदान है। गिल चलेगा आज एक तरफा खेलेगा गिल 20 ओवर में मैच पूरा कर देगा आज गिल पूरा एक तरफा इंडिया कल से शुरू होगा डांडिया होगा 191 पे आउट होते हैं डांडिया स्टार्ट हो गया हमारा तो आज स्टेडियम में गीत बाज रहा है वो गाना बाज रहा है आज ही हमारी दिवाली हो जाएगी। हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया आज फटाका फोड़ने के लिए पक्का निश्चित है आज पक्का फोड़ेंगे अब लग रहा है 8 बजे फोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान में टीवी फोड़ेंगे जी ऐसा तो खेलने को उम्मीद नहीं था 400 बनाना चाहिए। आप मैदान में थे जब पार्टनरशिप लग रहा था दो बैट्समैन का बाबर आजम रिजवान का 83 रन का पार्टनरशिप हुआ तो भी कैसा माहौल था और उसके बाद उनका जो लेटर मिडिल ऑर्डर जिसको बोलते हैं वो तो कोई आदमी टॉयलेट जाकर आएगा तो 4-5 विकेट गिर गए। सबसे बड़ी बात ये कि हम जब अंदर बैठे हुए थे तो हमें लिटरली लग रहा था लंबी पार्टनरशिप चलेगी और एक विकेट गिरी और उसके बाद क्राउड ने ऐसा माहौल बनाया कि बैक टू बैक विकेट्स गिरती रही और अंदर जो क्राउड था वो शायद पाकिस्तान टीम के समझ में नहीं आया बिकॉज 1,30,000 लोग इतना बड़ा क्राउड का माहौल और मतलब पाकिस्तान की टीम एकदम बिखर गई। क्या कहेंगे भैया उम्मीद था अच्छा स्कोर होगा लेकिन 191 अच्छा मुझे तो पता ही था पाकिस्तान पहला डाउन लेगी ना तो इंडिया उसके ऊपर चढ़ जाएगी हकून को पता ही था तो अभी ये रन तो है ना एक दो विकेट गिरे तो गिरे लेकिन 0 विकेट से मार देगी इंडिया। तो जो मरी वाला लुक है ये क्या कहेंगे मारी जो धनुष का जो हाँ उसका धनुष का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ मैं ये 3 साल से मैं ये कर रहा हूँ धनुष वाला आज से इधर से दांडिया शुरू हो जाएगा। हाँ शुरू हो जाएगा और हाँ और इंडिया वाले सबके दांडिया ही निकालेंगे और वर्ल्ड कप लेके जाएगा इंडिया घर में हो रहा है जाने नहीं देंगे। हाँ क्या कहेंगे इंडिया में घर में हो रहा है सबको भगाएंगे इस बार वर्ल्ड कप लेके जाएंगे देखुंट फैन मान को उत्साह समस्त बर्तमान खुशी अच्छा आम सहित आउ कि जन जोड़ी आलोचना करवा मैम क्या कहेंगे मैच के बारे में 191 ज्यादा तो स्कोर नहीं हुए इंडिया अच्छा से चेज कर देगा। आज बहुत अच्छा किया इंडिया ने और आज इंडिया जीत पाएगी बहुत अच्छा किया आज इंडिया ने। 192 टारगेट है कितना ओवर में टीम इंडिया चेज कर पाएगा शायद 34 जल्दी से जल्द चेज करना चाहिए या जल्दबाजी करना कोई जरूरत नहीं आराम से खेलना चाहिए आराम से खेलेंगे और हो जाएगा में। सर क्या कहेंगे अफगानिस्तान के मैच में रोहित शर्मा थोड़ा जल्दी में थे अफगानिस्तान के मैच में रोहित शर्मा थोड़ा जल्दी में थे इसीलिए रन थोड़ा चेज बनाया है
आज भी मतलब वैसा देखने के लिए मिलेगा 192 का जो टारगेट जल्दी से खत्म हो जाएगा 99% तो हो जाएगा क्योंकि आज भी रोहित आज 100% हो भी जा सकता है क्योंकि आज रोहित शर्मा ऐसे ही खेलेगा जैसे गिल कैसे खेलेगा सर उधर का लड़का है गिल और रोहित शर्मा ही पूरा कर देंगे वो ही दोनों पूरा कर देंगे नहीं है कि भारत 10 विकेट से जीते 10 विकेट से जीते भारत और वो लोग जो 152/0 से कूद रहे हैं वो उनका कूदना बंद हो जाए बस 152/0 का जो नारा था आज 192/0 हो जाएगा पूरा हो जाएगा 100% सब फिनिश कर देंगे वो पूरा हो जाएगा 100% इंडिया कल से शुरू होगा दांडिया आज राष्ट्र डांडिया चालू अभी दे रहे दांडिया के लिए जीत जाएगा भारत जीत जाएगा जीत जाएगा भारत जीत गया जीत गया जीत गया भाई फैन मैंने उत्साहित अच्छा मैच को नहीं कि समस्त आशा जो भाव आम जो पाकिस्तान प्रथम बैटिंग करते बाबर आजम एवं रिजवान को पार्टनरशिप लंबा होता से तो आशा करा जाऊला गोटे बड़ स्कोर आड़ पाकिस्तान गति करे बड़ स्कोर खड़ा करपे किंतु जो भाव टीम इंडिया रो बोलर मैंने कमबैक करते विशेषकर स्पिनर कथा कह कि बुम बुम बुमरा कथा कह जो भाई कमबैक कले गोटे पर गोटे पाकिस्तान विकेट खसाइले जहाँफल पाकिस्तान बड़ स्कोर करार सक्षम हो पार ना एवं आप देखु पड़िया बाहर जो रही गेट नंबर वन सम्मुखें लोक मान समागम देखु समस्त मनरे गोटे प्रकार उत्साह रही कारण 192 जो टार्गेट समस्त कहते भारत बहुत सहजरे चेज करदेव और भारत पाखे चेज मास्टर कोहली अच्छा सहित तो रोहित शर्मा भल फर्म्रे अच्छा शुभमान गिल चलित बर्ष बहुत रन करेणु आशा करवा स्कोर टी से भल भाव चेज करे आम सहित आउ कि अच्छा सह आलोचना करवा सर भैया क्या कहेंगे मैच के बारे में 192 तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है टारगेट नहीं है ज्यादा कोई इंडिया की ओपनिंग ही मार जाएगी दूसरे की कोई दावा ही नहीं आएगी बिना विकेट से ही मैच जीत जाएगा इंडिया कोई विकेट भी नहीं गिरेगा उनका पास अच्छा फास्ट बॉलर है कोई भी विकेट नहीं गिरेगा कोई भी विकेट नहीं गिरेगा 200 रन का टारगेट जो भी दिया है उन्होंने वो ओपनिंग ही बता देगी 192 रन जो टारगेट रही भारत ओपनर मैंने बनईदे कारण भारत ओपनर रोहित शर्मा कथा कह कि शुभमन गिल कथा कह समस्त बहुत भल फर्म्रे अच्छा तेणु ये चेस्टी कह टीम इंडिया को बेसी कष्ट पड़बनी बहुत भल भाव टीम इंडिया हासिल करी समस्ते आशा व्यक्त कराकि आम आशा करवा टीम इंडिया भल प्रदर्शन करूँ कारण 192 गोटे भल टार्गेट टीम इंडिया अच्छी गोटे सहज टार्गेट टीम इंडिया अच्छी आम आशा करवा जो दलर दुई ओपनर आसतु गोटे बड़ स्कोर करूँ और भारत यही मैच को सहजरे विजय हासिल करूँ अहमदाबाद कैमेरा पर्सन गौतम सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।